अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको मसाला भिंडी की रेसिपी बताएंगे। उसके लिए हम लेंगे 400 ग्राम भिंडी, एक प्याज, एक टोमेटो, एक टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, हाफ टीस्पून चिल्ली फ्लेक्स, हाफ टीस्पून धनिया पाउडर, नमक, एक टेबलस्पून हरा मसाला और ऑयल। हरा मसाला की रेसिपी मैं यूट्यूब चैनल पे बता चुकी हूँ। भिंडी को काट लिया है इस तरह टुकड़ों में, प्याज भी काट ली है स्लाइसेस में और टमाटर को भी छोटे टुकड़ों में काट लिया है। अब हम भिंडी तैयार करेंगे। एक टेबलस्पून ऑयल गरम किया है, अब इसमें भिंडी फ्राई करेंगे। भिंडी को स्लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे ताकि इसकी चिकनाहट खत्म हो जाए। तीन टेबलस्पून ऑयल गरम किया है, अब हम इसमें प्याज डालेंगे। प्याज को फ्राई करेंगे। थोड़ा सा फ्राई करने के बाद टोमेटो डालेंगे। मसाला डाल देंगे। अभी सारे मसाले डाल देंगे। नमक आप अपने हिसाब से डालिएगा। अब भिंडी डाल देंगे। अब स्लो फ्लेम पे भिंडी को पकने तक रख देंगे। बीस से 25 मिनट तक स्लो फ्लेम पे रखा था। अब भिंडी तैयार हो चुकी है। इसमें एक टेबलस्पून ऑयल और ऐड किया था, अगर आपको ऐड करना हो तो। अभी भिंडी तैयार है। मसाला भिंडी सर्व करने के लिए तैयार है।